वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आईकैप के ऑटम 2014 के पेपर से एक क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। टू रेसलर्स गोगा एंड शीदा एग्री टू प्ले अ रेसलिंग मैच ऑन द कंडीशन दैट इफ एनी ऑफ देम वुड फेल टू पेयर फॉर द मैच ही वुड हैव टू पे 5,000 टू द अदर पार्टी। यानी अगर कोई एक मैच वाले दिन पे नहीं आता तो वो दूसरी पार्टी को 5,000 की पेमेंट करेगा। विनर वाज टू रिसीव ₹20,000 आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द टिकट, और जो टिकट जो हैं सेल होंगे उनमें से ₹20,000 जो हैं वो विनर को मिलेंगे। अगर मैच हो जाता है, मैच नहीं होता तो एक पार्टी दूसरे को 5,000 देगी, मैच हो जाएगा तो विनर को टिकट प्रोसीड्स में से 20,000 मिलेंगे। गोगा फेल टू अपेयर इन द मैच एंड शीदा सूड हिम फॉर ₹5,000। उसने 5,000 के लिए केस कर दिया। गोगा हाउएवर रिफ्यूज टू पे क्लेमिंग दैट बींग वेजरिंग इन नेचर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब वेदर शीदा कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम गोगा। तो क्या ये अमाउंट रिकवर हो सकती है या नहीं, और ऑब्वियसली पूरा जो हमारा इस पे डिसीजन या कंक्लूजन होगा वो इस बात पर बेस करेगा कि क्या ये जो अरेंजमेंट था ये वेजरिंग इन नेचर था या नहीं था। तो सबसे पहले अगर हम लॉ का सिंपल पॉइंट देखें तो जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी वॉइड होते हैं, और उनके कोलेटरल एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। यानी ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली मेड टू फर्दर और असिस्ट द एंटरिंग इन टू इफेक्टिंग और कैरिंग आउट और टू सिक्योर और गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट वॉइड बींग इन नेचर ऑफ वेजर आर वॉइड। यानी जो कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट हैं वो भी वॉइड होंगे। अब यहाँ पर लेकिन अगर हम एनालिसिस करें तो ये अरेंजमेंट जो है वो वेजरिंग नेचर का नहीं है। गोगा एंड शीदा वर नॉट गोइंग टू विन और लूज इन टर्म्स ऑफ मनी एज अ रिजल्ट ऑफ रेसलिंग मैच। अनसर्टन इवेंट नहीं था। एक तो विनिंग अमाउंट भी उन्होंने अपनी पॉकेट से नहीं देनी थी, बल्कि पब्लिक ने जो गेट मनी प्रोवाइड करनी थी, टिकट के पैसे प्रोवाइड करने थे वो थे। दूसरी बात है, जहां तक नॉन अपेयरेंस की बात थी वो तो अनसर्टन इवेंट ही नहीं है। नो अनसर्टन इवेंट प्रोवाइडेड द एक्चुअल चांसेस ऑफ विनिंग और लूजिंग। वो तो एक पार्टी के, अनसर्टन तो वो होता है ना जिसमें एक पार्टी का कोई कंट्रोल ना हो। यहाँ तो एक पार्टी का कंट्रोल था कि भाई उन्होंने आना है मैच के लिए, तो मैच के लिए ना आना या आना ये कोई चांस बेस्ड बात तो नहीं है। एक पार्टी का अपना डिसीजन है, एक अपना एक्ट है जिसकी बेस पर वो मैच में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये तो बड़ा क्लियरली ही वेजरिंग की नेचर में नहीं है जो नॉन अपेयरेंस वाली बात है। तो इसलिए हमारा कंक्लूजन ये होगा कि शीदा इज इंटाइटल्ड टू रिकवर। द अमाउंट फ्रॉम गोगा एज द एग्रीमेंट बिटवीन गोगा एंड शीदा इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट, और इसलिए ये इन्फोर्सेबल एट लॉ है। तो इसमें जहन में रखना है कि हर चीज जिसमें एक पार्टी को पैसे मिलने हो जरूरी नहीं कि वो वेजरिंग नेचर की हो। उसमें ये भी देखना है कि बैटिंग क्या है पार्टीज का, उस विनिंग अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट क्या है, और वो जो इवेंट है वो अनसर्टन है या नहीं है। तो ये बेसिकली स्नैरियो था। जरूरी नहीं कि आप लॉ एनालिसिस या कंक्लूजन की हेडिंग्स भी यूज करें इसका आंसर करते हुए, लेकिन ये 3 पर्सपेक्टिव आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।